प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। माय सेल्फ जितेंद्र दोंदे, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, अर्थात आपका अपना कार्य अनुभव शिक्षक। इस मंच बीएमसी ऑनलाइन स्टेट लेवल एजुकेशन से मैं इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप स्वस्थ है, मस्त है, इस उम्मीद के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नया दिन, नया शनिचर, नई सुख, और आज की तारीख है 25 सितंबर। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपसे ये बात कही थी, डिस्कस की थी हमने, कि सितंबर अकेला एक ऐसा महीना है जो नवा नंबर पे आता है, और दूसरी बात ये है कि उसकी इंग्लिश लेटर स्पेलिंग्स में 9 अंक है, यानी 9 अल्फाबेट्स है। 25 सितंबर 2021 दिन विशेष से शुरुआत करने से पहले मैं आपको ऐलान कर दूं यहाँ पर कि आज का हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है, और आज का जो चल रहा है माहौल कोरोना है, कोविड-19 का है, मास्क है, हैंड वॉश है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो अपना टॉपिक है और काफी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है जिसका नाम है लिक्विड सोप, यस, तरल साबुन, यानी मेकिंग लिक्विड सोप एट होम। इसे शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आइए दिन विशेष पे चलते हैं। आज सितंबर महीने की 25th डेट है, एंड टुडे इज 268th डे ऑफ द ईयर, और सिर्फ 97 डेज बचे हैं प्यारे दोस्तों साल गुजरने में, ठीक है। और दिन विशेष में जाते हैं, सबसे पहले कि आज जो है राष्ट्रीय कन्या दिन है, यानी कि नेशनल डॉटर डे है, यस, और आप समझ गए डॉटर डे है मतलब हम टीचर है और आप हमारे स्टूडेंट से, जहां तक मैं अभी देखा नहीं मैंने, लेकिन हमेशा की तरह जब मैं देखता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स एंड में कितने थे, तो उनमें सबसे ज्यादा हमारी कन्याएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं। आप सबको कन्या दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों, और इसके साथ साथ बहुत सारे दिन है आज की, लेकिन मैं उसमें खास अपने मतलब की बात करूंगा। तो आज जो है, आज कन्या दिन के साथ साथ मनाया जाता है वर्ल्ड ड्रीम डे, यानी ख्वाब देखना गलत बात है क्या? नहीं, अच्छी बात है। तो वर्ल्ड ड्रीम भी है आज, बेटर ब्रेकफास्ट डे भी है, आज रैबिट डे भी है। अभी रैबिट डे मतलब क्या है कि खरगोश दिन क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि सारी दुनिया में अलग अलग जातियों के खरगोश पाए जाते हैं, और ये खरगोश का संरक्षण होना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, ठीक है। अब ये आप सोचेंगे इनको बचा के क्या मिलेगा, धोंदे सर क्या मिलेगा पता? तो ये खरगोशी है जिनके ऊपर टेस्टिंग होता है लिक्विड सोप का, ये खरगोशी है जिनके ऊपर टेस्टिंग होता है शैम्पूस का, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए तो मैंने आपसे कही, है ना। हाँ, और दिन विशेष की बात कहूं मैं तो आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी है। फार्मासिस्ट समझते हैं आप लोग, बड़े बच्चे होशियार, कितने बच्चे मैं जानता हूँ, ठीक। हाँ, और साथ में आज वर्ल्ड लॉबस्टर डे भी मनाया जाता है। ये ऐसा एक्वेटिक एनिमल है, सी फूड है, जिसको विश्व भर में खाया जाता है, और इसकी खासियत ये है, इसको क्यों ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट होता है और 125 से ज्यादा कैलोरीज मिलती है, और उससे प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है, सेलेनियम मिलता है, बहुत सारे। लेक्चर जैसे खत्म होगा या फिर कल संडे है, आप लोग लॉबस्टर डे के ऊपर आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे, और इसका इतना अंदाज खूबसूरत होता है, इसकी बॉडी इतनी खूबसूरत होती है, देखिएगा। काफी काफी दिन है वर्ल्ड लॉबस्टर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक और भी दिन मनाया जाता है दुनिया में, वो है मैथ्स स्टोरी टेलिंग डे मनाया जाता है। और आज के लेक्चर में हमेशा की तरह एंड में एक इतनी मस्त कहानी सुनाऊंगा मैं, फर्स्ट क्लास, ओके ओके। आज नेशनल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटर डे भी मनाया जाता है, जो अधिकारी वर्ग जो साइंटिस्ट है इनके लिए भी मनाया जाता है। आज मैंने कहा आपको कि जैसे कि आज सारे दिन मनाए जाते हैं, एक और दिन भी आज मनाया जाता है 25 सितंबर को, दैट इज नेशनल कॉमिक डे भी मनाया जाता है, और आज कुकिंग डे भी मनाया जाता है। यार मेरा पसंद का खाने का मतलब क्या है, लेकिन अभी नहीं, लेक्चर होने के बाद नाश्ता करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन ऑन दिस डे, ब्यूटीफुल डे, 25th सितंबर, एंड वी बिगिन विद आवर लेक्चर नाउ, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कम क्लोज टू दिस वन, देन हम बाय क्लोज, एंड देन वी गो विद द शेयरिंग, एंड देन वी गो विद दिस वन, ओके। And dynamically coming. Where it is? Yeah, I got it. Or ye mila mujhe kaha mila. Yes. I'm searching. Just a few seconds.
just a few seconds. Mila. Okay. Mumbai Mahanagar Palika, that is Municipal Corporation of Greater Mumbai, welcome you all on BMC Online State Level Education, Arthat Class 8 Standard and Subject Work Experience, Arthat Karyanubhav, and topic is Liquid Soap. Okay, now Liquid Soap jo topic hai, ye log Liquid Soap topic hai, aur aaj isko hum lenge, yani making liquid soap. Okay, kahenge kya? Making liquid soap. Okay. कई बच्चों के मोबाइल के स्क्रीन छोटे होते हैं, इसलिए दोंदे सर ने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया. तो टॉपिक जो है ये तो मेन एंड माय सेल्फ जितेंद्र दोंदे एक्सपर्ट टीचर आज के सब्जेक्ट के लिए. हमारे सीएनओ साहब है अदिल खान रफीक खान सर, देन हमारे असिस्टेंट सीएनओ है वसीम सर, एंड हमारी उर्दू चैनल हेड की जो मैडम है वो हमेशा मैं आपको जिक्र करता हूँ, आप भी उनसे पहचान हो चुकी हूँ उनसे आपकी, दैट इज नॉट नन अदर देन शेख अरिफा मैम जो हमारी बीएमसी ऑनलाइन स्टेट लेवल एजुकेशन की हेड है. तो ये बच्चों तरल साबुन जो बात आप स्क्रीन पे आराम से देख रहे हैं, ठीक है. हाँ, मैं जल्दबाजी में अगर बोल रहा हूँ तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि मुझे आपको दो खूबसूरत वीडियो दिखाने है ना, यही वजह. इसलिए तो ये बनाते कैसे हैं तो एक एक वन बाई वन स्टेप पे आते. ओके, तो इसमें होता क्या है, लिक्विड सोप बनाने के दो तरीके हैं. एक है साबुन की टिकिया, इंग्लिश में वहां लिखा है बाथ सोप, है ना, यानी टॉयलेट सोप, उसको टॉयलेट सोप भी कहा जाता है. केक यानी मराठी तो अपन वड़ी मानते, टिकिया वड़ी, मराठी तो वड़ी, हिंदी में टिकिया एंड इंग्लिश में केक. और दूसरा साबुन टिकिया की खरोच से बना, ओके, स्क्रैच. तो साबुन की खरोच जो होती है, चूरा होता है, या वो मिल जाता है आपको मार्केट, है ना, आप मिल जाता है आपको मार्केट. ओके, तो ये जो है आप जो है समथिंग डिस्टर्बिंग मी, ओह माय गॉड, होल्ड ऑन प्लीज. बाप रे, डन इट. ओके, क्या प्लीज अब रेस हैंड मत कीजिएगा, मेरी स्क्रीन बहुत छोटी है इसके लिए. हाँ, ना व्हाट वी विल गो विद दिस वन. कि उदाहरण के लिए अगर बात करें कि आप जो हैं बाथ सोप, फेस वॉश सोप समझते हैं आप लोग, एक स्पेशल आता है शॉर्ट में, फेस अगर वॉश कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग सोप, सुगंधित यानी सुगंध देने वाला सेंटेड, या बिना गंध वाला या बिना सेंट का साबुन, या किचन सोप के छोटे छोटे टुकड़े, विच इज द लेफ्ट ओवर स्मॉल पीसेस इन द बाथ सोप, है ना, टुकड़े, और इससे बनाया जाता है. तो ये बनाया, इसको कौन हैंड वॉश, ठीक है, ये एक नमूना है, हम कोई एडवर्टाइज थोड़ी ना कर रहे, डेटॉल ही चाहिए, लेकिन आजकल डेटॉल ज्यादा ही चल रहा है इसका. और दूसरा प्यारे बच्चों ये है, आई होप यू कैन गेट द स्क्रीन, कि सोप स्क्रैच में होता क्या है, इसके अंदर केमिकल गिरता है. केमिकल कौन सा गिरता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये रसायन यानी केमिकल है. तो ये पड़ता है और साथ में थोड़ा ऑयल भी पड़ता है. अब इसमें ये केमिकल पड़ता क्यों है, क्योंकि खाने के जो फूड डिशेस होते हैं हमारे, उसमें ऑयल स्टिकी ज्यादा होता है, ठीक है. ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड. ओके, नाउ ये जो है हाउ टू प्रिपेयर दिस एट होम, क्योंकि लिक्विड सोप जो है अब इसका काफी वैल्यू बढ़ गया है, खास करके हैंड वॉश, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए. तो हाथ धोने के लिए तो काफी महंगा था शुरू के दिनों में, पिछले साल तो इट वॉज सो कॉस्टली, देन पीपल न्यू दैट, हम सभी को पता चला कि बात बात में कैसे हम करते. तो उसको क्या करना है, सिंपल, ये सामान आपके पास होना चाहिए. आप कहेंगे बहुत छोटा है, नजदीक आके देखिए कैसे, नहीं मैं आपको देता हूँ ना बेटा सामग्री और विधि, दैट इज मटेरियल एंड व्हाट इज दिस इज व्हाट मटेरियल एंड मेथड वी गो. जिस नाउ दो कप चाहिए, खास करके आपको याद रखना है, अगर आप इसके लिए प्लास्टिक की कप भी चलेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कांच के बर्तन रहेंगे तो. चम्मच होना चाहिए, हवा बंद जार होनी चाहिए आपके पास, मिक्सर भी होना चाहिए, पिसाई यंत्र की फिनल. आप कहेंगे क्या सर जल्दी जल्दी पढ़ने भी नहीं दिया है, तो बेटा अगली साइड में हमको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट क्लास,
आपके उसको पहले आराम से देखिए 30 सेकंड तक, उसके बाद मैं आपको जूम करूंगा, बीच में सर थोड़ा सा घूंट पानी का भी दे देंगे। हाँ, साबुन है या साबुन के टुकड़े, पिसाई यंत्र दिखाई पड़ रहा है आपको, मिक्सर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आपको साथ में दिखाई पड़ रहा है चम्मच है, साथ में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मैं ढूंढ करके आपको एक 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 बताऊं। तो यू कैन सी पिसाई यंत्र है, साबुन के टुकड़े है, मिक्सी चाहिए आपको, आपको ये फनल चाहिए है ना, इसको आप कीप कहते हैं हिंदी में, हम फनल कहते हैं इंग्लिश में, यानी मराठी दोन पूछो मत भैया, हम मराठी में इसको नरसा म्हणून म्हणतो, ओके। एंड दिस इज ग्लिसरीन। अब मुझे याद है पिछले साल भी ये टॉपिक जब हुआ था तो बच्चों ने पूछा था ये ग्लिसरीन कहाँ मिलता है, तो ये ग्लिसरीन किसी भी मेडिकल स्टोर में मिलता है। ये है आप बिरयानी के अंदर जो कलर डालते हैं ना, वो चावल को कलर करते, फूड कोई भी फूड को कलर, ये तो कलरिंग, तो ये कलरिंग फूड है, खाद्य रंग यानी कलरिंग द फूड। साथ में ये सेंट की बोतल है नीचे ब्लू वाली, उसके बाजू में खाली जो तरल साबुन की खाली बोतल भी चाहिए और जार भी चाहिए आपको, क्यों जार भी चाहिए सर, बोतल भी चाहिए जार भी चाहिए, ऐसा अगर सवाल आपके मन में हो तो ये है, हम ज्यादा क्वांटिटी में बनाते और हमको जैसा चाहिए वैसा हम उस बोतल में ले सकते। क्या करना है, किसी भी स्नान या नहाने का साबुन ले, उसके टुकड़े ले और ग्रेटर की मदद, अभी ग्रेटर बार बार आपको दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए बात को कि ग्रेटर मतलब क्या है, इस तरह से इसको घिस ले अच्छे से, ओके। और इस पे आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने। आज का लेक्चर के बाद यकीनन मैं कहता हूँ इतना दावे के साथ, मेरी लेक्चर अटेंड करने वाला मेरा एक भी बच्चा, मेरा एक भी प्यारा स्टूडेंट साबुन के टुकड़ों को नहीं फेंकेगा, समझ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वॉट एंड कि किसी भी स्नान साबुन को ले या उसके टुकड़े और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दे, ग्रेट समझने, खरचने से खरच देना। उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्सी में डाल, ठीक है, और साथ में गर्म पानी, आपको मात्रा कितनी दे, ये गर्म पानी दिखाया गया है, ओके। अब आपको मात्रा जो है आपको ब्लेंड करना है, लेकिन मम्मी से पूछ कर, मेरा नाम नहीं बताना कि भाई धोंदे सर ने बोला तो मिक्सी गंदा कर दिया, हाँ भैया, हाँ। तो 250 मिलीलीटर गर्म पानी में ग्रेट किया हुआ साबुन डाले, इससे क्या होता है, इससे गर्म पानी क्यों डालते हैं, तो वो जो है वो पिघल जाएगा, वो जो है वो पिघल जाएगा, और अगली साइड में हम देखते हैं जब पिघलने के बाद वो स्थिर हो जाता है, उसको निकाल लेना है आप, ठीक है, आप ग्राइंड करो मिक्सर के, ये कर दो, उसके बाद वो पूरे फ्लूइड लिक्विड आएगा, पूरा पेस्ट बन के आएगा, ठीक है, उसको बाहर ले लो, आप देखना, आप अंदाजा लेते हैं कि नहीं, चाय बनाने में कितना पानी लगेगा, चावल पकाने में कितना पानी लगेगा, वैसा ही, लेकिन साथ में आपको इसमें ग्लिसरीन भी डालना है। क्या करना है आपको इसके अंदर, एक ग्लिसरीन डालना है 5 ml। अब 5 ml ग्लिसरीन नापे कैसे, तो सिंपल है, जो ढक्कन होता है उतना भर के भी ग्लिसरीन आप डाला तो भी बात बन जाए, और अंदाजा नहीं तो करना है सब, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्शन पे आते हैं, इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, परफेक्शन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आवश्यकता अनुसार भोजन रंग है ना, यानी कि खाद्य रंग जोड़े, कलरिंग मटेरियल, जिलेबी का रंग डाले है ना, आपको जो रंग पसंद है वो डाले, एंड देन उसको आप जो है तैयार होने के बाद मिश्रण को ठंडा होने दे, व्यवस्थित होने, अलाउ मिक्सचर टू गेट कूल एंड सेटल, सेटल यानी उसको व्यवस्थित होने दे, बैलेंस होने दे, आफ्टर दैट फील स्टोर रेडी लिक्विड सोप इन बॉटल, चाहे आप एम्प्टी बॉटल ले इसमें या फिर ऐसे डिब्बे में है ना, जार बोला मैंने हवा बन, या मैंने जान बुझ के मैंने क्या किया, मैंने आपको ये कर दिया, व्हाट आई सेड कि नोइंगली कि मैं आपको हमने किया, तो हम ये कलर विदर डाल के आते हैं और ये पोजिशन, ठीक है। अब एम्प्टी बॉटल भर दे, एम्प्टी बॉटल में क्या करेंगे आप लोग, भरेंगे बाकी बचा हुआ ऊपर वाली बोतल में है, जैसी जरूरत है वैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और इसको हाथों पे लेकर हाथ धोते रहे। हाथ धोने की बात आई तो मैं आपको बताऊं, अगला महीना जो है वो अक्टूबर का महीना है और अगले महीने की 15 तारीख को ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, पिछले साल भी हमने ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया था ऑनलाइन में, काफी अच्छी आपको जानकारी मिली थी, हमको भी मिली, हम टीचरों को भी जो हमने दी, तो रब योर पाम्स टुगेदर स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में आपको हाथ धोने के तरीके 20 सेकंड तक होना चाहिए,
तो ये स्टेप वन है, पहले एक दूसरे के ऊपर रगड़े, पाम का मतलब हाथ, पाम्स का मतलब दोनों हाथ, एक वचन पाम, बहुवचन पाम्स, रब टूगेदर, रब द बैक साइड, है ना, बैक साइड एंड रब द स्टेप बाय स्टेप दिस वन। ये वाली जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ वाली स्टेप, फिफ्थ वाली स्टेप, सिक्स वाली स्टेप एंड सेवेंथ स्टेप, हम पिछले 1.5 साल से ये बात समझ रहे हैं कि ये जो स्टेप है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा एक लेक्चर में पिछली बार कि जहां हेल्थ एंड हाइजीन लिया था हमने, कि आपको आपके नाखून काटने का एक दिन पक्का करना है। जैसे मैं खुद करता हूँ, बचपन से मैं करता हूँ, तो मेरा संडे के दिन आई गो विद नेल कटर, ओके आई सिट अलोंग एंड नेल कटर। ये इंटरलॉक फिंगर जो है, ये इस तरह से चित्र में आपको जो दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको जो है वो आपको हाथ धोने, ध्यान से देखिए। इसके लिए तो मैं जल्दबाजी कर रहा था कि मुझे आपको ये खास करके बताना था। अंगूठे का जो रोटेशन करना है आपको पांचवी स्टेप में, वो भी इंडेक्स फिंगर के साथ, ओके, इंडेक्स यानी जो उंगली से हम लोग दिशा दिखाते हैं वो, और ये स्टेप नंबर 6 है, जहां पे आपके फिंगर टिप्स हाथ पे रगड़ने, ठीक। ये वाला जो है प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि नाखून के नाखून कटे नहीं होंगे, नाखून बड़े रहेंगे, या नाखून कटे भी हो तो उसके नीचे जर्म्स है, एंड उसके बाद हाथ के साथ साथ, उंगलियों के साथ साथ आपकी कलाई जो है उसको भी, कलाई यानी ब्रिस्ट, एक कलाई को ब्रिस्ट कहेंगे, दोनों कलाई को ब्रिस्ट कहेंगे, ओके, रोटेटिंग मैनर में आपको करना है। अभी भी आपको एक बात का ख्याल रखना है प्यारे बच्चों, कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, है ना, तो हमेशा हमको क्या करना है, हाथ धोते रहना है, हमको मास्क भी लगाते रहना चाहिए, है कि नहीं। अगर कोरोना से लड़ना है तो रखे 2 कदम की दूरी और चेहरे पे मास्क है जरूरी, ओके। तो ये आपको याद रखना है, अभी भी कोरोना गया नहीं है। तो यहाँ आते हैं और आपको यहाँ पे हम समझाते हैं। हाँ, अब आपको मैं बताऊं कि आपको जो हैंड वॉश जो बनाया जाता है तो उसके ऊपर हम एक वीडियो देखते हैं पहले, ओके, उसके बाद में हम बातें करेंगे। यस प्लीज मिस्टर सीएनओ साहब, प्लीज हेल्प मी। तो ये वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से, शॉर्ट वीडियो, किस तरह से आपको लिक्विड सोप बनाया जाता है। यही क्रिया जो हमने अभी देखी वही क्रिया।
Thanks for watching. Please subscribe. Gentlemen, thanks for such a beautiful video. And ये video आपको देखा हमने प्यारे बच्चों कि हाथ सफाई सिर्फ अभी नहीं कि कोरोना है हाथ धोते रहिए ना हमेशा एक आदत हमें होनी चाहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है जैसे सर इतना सारा खर्चा कहाँ से करेंगे कुछ नहीं यार ऐसे एक बोतल लेनी है आपको साबुन के टुकड़े इसके अंदर डालने हैं और ज्यादा इतने इतने टुकड़े डाल दिया आपने भर दिया पानी इतना और बाद में इसको बंद करके एक 6 दिन के लिए रख दिया मूवमेंट करो चेक करो ये वीडियो जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं ये वीडियो आपको बताता है कि किस तरह से साबुन बनता है खास करके बच्चों के लिए जो साबुन बनता है तो मौका है तो कम ऑन ये भी वीडियो हम प्ले कर लेते ना यार है कि यस Thank you very much, you know, sir. Some technical problem was there with me, and आपने उसको solve कर दिया. I was worried about that. Thank you. प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये था साबुन बनाने का एक छोटा सा. पता है आपको कि ये साबुन जब बनता है, तो इसको ख्याल रखा जाता है कि ये साबुन अगर बच्चों के लिए, अगर ये साबुन उस नाजुक किसी नाजुक त्वचा के लिए, किसी किसी की त्वचा बड़ी नाजुक त्वचा समझते हैं आप? स्किन तो ये स्किन तो इसका पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है तो आप जैसे बड़े क्लास में जाएंगे साइंस फैकल्टी में अगर जाते हैं आप तो बिल्कुल जाएंगे अपनी अपनी पसंद की फैकल्टी में तो इसका पीएच लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है ना इसलिए आप एक बात छोटी सिंपल सुनी जो आपके 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए बड़ी दुरुस्त बात है बड़ी अच्छी बात है कि आप नहाने का साबुन जो है ना उससे नहा उसी से आपको नहा अगर आप कपड़े धोने के साबुन से नहाते हैं तो फिर वो रैशेस पैदा कर सकते हैं आप नंबर एक नंबर दो कि आप जो अभी ये जो दोनों पहले वाला वीडियो देखा तो आपने ये सोचा होगा अल्लाह मैं कहां से लाऊं ये ग्लिसरीन
कितना कॉस्ट होगा उसका, कितना महंगा होगा, बोतल कहाँ से लाऊं, ये क्या बोलते उसको ग्राइंडर कैसे करो, तो कोई जरूरत नहीं यार, बिल्कुल जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ बताने के आपको ऐसे बोतल लेनी है, इसमें टुकड़े डालने, हाँ भाई बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, और कहानी भी सुननी है आपको। हाँ जी, तो ऐसे कोई भी बोतल लीजिए आप, खाली बोतल, अब उसके अंदर टुकड़े, जैसे ही टुकड़ा मिला फेंकना नहीं उसको, टुकड़े को भरते रहे भरते रहे, इतना इतना भर गया, ओके आप संभल के, आपके पास अगर फनल है की है ना, वो अगर आपके पास है तो उससे आप गर्म पानी इसके अंदर डाल, संभालना, टेक केयर, गर्म पानी डाल देंगे इसके अंदर, डालने के बाद इसका ढक्कन आप करेंगे बंद, ठीक है, और एक कोने में रख देंगे जहां पर आपकी नजर पड़ेगी, समझे ना इसको इसको मूव करते रहिए, इसको मूव करते रहिए, बाद में आपको पता चलेगा रे इसका थोड़ा पेस्ट तो हो गया है, फिर इसको क्या करना है, ढक्कन निकालना है, इसमें एक छोटा सा छेद कर देना है एंड टाइट बंद करके इसको किसी धागे से बांध के आपके बाथरूम में या टॉयलेट में रखना है, ओके, और जब आपको करके 6 स्टेप्स हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को आ रहा है ना, ग्लोबल हैंड वॉश, वो आपको साल में एक बार याद देगा, आपको हाथ धोने हैं खास करके ये, तो आपका साबुन तैयार है घर के ऊपर, घर के अंदर ही, और ऐसे साबुन मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आपको लेने की जरूरत है आपने, हाँ ग्लिसरिन के ऊपर ये बात है कि ग्लिसरिन कहाँ से लाए, तो अपना कोकोनट ऑयल जो हम तेल लगाते बालों में, वो बाल का तेल भी इसके अंदर रख सकते हैं, वो सॉफ्ट बन जाएगा, फ्री हो जाएगा, अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये तो है तो आप उसको स्टिक से हिलाते रहिए, ओके, अभी आप लोग कभी यहाँ रुकते हैं और आपके माइक्स हो जाएंगे ऑन, अगर कोई सवाल है तो जल्द से पूछेंगे, यस प्लीज, फिर कहानी भी हमको सुननी है ना यार, any questions please now, yes, आपके माइक्स ऑन हो जाएंगे, अब मैसेज मत कीजिएगा, चैट बॉक्स में जाके चैट मत कीजिएगा, बिकॉज मेरे डिवाइस का प्रॉब्लम है तो आई कांट गो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या एनी क्वेश्चन प्लीज, यस सर, इसको बनाना है, हाँ बिल्कुल बनाना है, घर में आपको इस्तेमाल करना है, आपके अम्मी अब्बू को भी मदद होगी, आपके छोटे भाई को सिखाना है किस तरह से हाथ धोते हैं, हाथ साफ कैसे रखते हैं, और मास्क भी पहनना है, सब सिखाना है ना, आप तो बड़े हो गए ना, है ना, बनाना है सर, तेल की जगह कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो तेल कौन सा भी, मतलब अभी देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, अभी अभी रिक्शा के अंदर भी तेल ऑयल गिरता है, मेरे बाइक के अंदर भी ऑयल गिरता है, तो क्या हम वो डालेंगे ना, खाने का तेल या बालों को लगाने वाला तेल, वही तेल डालना, यस पूछो ना यार सवाल जल्दी जल्दी, ओके आई होप अभी सवाल इस पे सवाल तो बढ़ेगी नहीं, ये घर का मामला है भैया, है ना, जब हम किचन की बात करते हैं, जैसे हम साबुन की बात करते हैं, पिछले दो लेक्चर में हमने खाने के ऊपर ध्यान दिया, फूड प्रोडक्ट पे ध्यान दिया था, और अगर आप ओके अभी आपके माइक में हो जाएंगे ऑफ सर, या पूछो पूछो बेटा, ये करके दिखाना है, नहीं बेटा आपको घर में हाथ धोते रहना है, इतना आपको करना है, यस सर, Yes. कुछ भी खाए, कहीं बाहर से आए, कुछ भी खाए, आप हाथ धोते रहना है ना, ओके आई होप ऑल क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन डाउन, एंड होप दैट अभी हमारे सवाल खत्म हुए हैं, तो हाथ धोते रहिएगा, खाते पीते रहिएगा, और पानी पीते रहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग बनाएंगे इस उम्मीद के साथ, मैं अपनी मोरल स्टोरी पे आता हूँ, आज की मोरल स्टोरी आपको अच्छी लगेगी हमेशा की तरह, तो मोरल स्टोरी जो है ये आभासी है, यानी क्या बोलते हैं ना, रूपक कथा बोलते हैं इसको, रूपक यानी जैसे कि जो बात जो जानवर बातें नहीं कर पाते थे बात कर रहे, एक गांव था और उस गांव में एक किसान रहता था, किसान के पास काफी गाय बैल थे, ठीक है ना, कहानी सुन रहे ना, मोरल स्टोरी बहुत अच्छी है,
तो वो किसान था, उसके पास गाय बेचते और काफी अच्छा किसान था, गरीब था लेकिन अच्छा था, स्वभाव से अच्छा था, अपने गाय बैलों से बड़ा प्यार करता था। उसके गाय बैल जो थे, उसके गाय ने एक बछड़ा दिया था। अब उस बछड़े की उम्र हो गई साल, दो डेढ़ साल की हो गई थी। वो जो गाय थी वो बड़ी नटखट थी, बहुत मस्ती करती थी, आपके जैसे, आप भी बहुत मस्ती करते हैं ना। हाँ, तो वो मस्ती करती थी, तो गाय को लेकर वो खेत की तरफ चट्टान पे, वहां पे चट्टान थी, वहां पे चराने के लिए लेकर जाता था। और फिर शाम के वक्त, सूरज ढलने के वक्त, वो गाय बैलों को सब लेकर आता था। ये नटखट गाय जो थी ना, एक नटखट गाय ने क्या देखा कि अरे उस तरफ तो बड़ी हरी हरी घास है, उस तरफ बड़ी हरी हरी घास है, ऐसे करते हैं अपने मालिक की नजर चुका के बचा के उस घास पे छट से खा के आते हैं, फिर वापस अपने झुंड के साथ निकल आए। ये समझ के उस गाय ने हल्के से अपना मुंह इधर कर लिया, भाग गई। अब जैसे ही भाग गई, वहां चरने लगी, अपने मालिक को देखा, उसने मालिक तो दूर जा रहा है, वो अपने उसका ध्यान नहीं इस गाय के ऊपर, और गाय चरने में मग्न रही। उतने में क्या हो गया थोड़ा सा और अंधेरा, गाय डर गई, अरे मैं तो खाने में मग्न रह गई, खाने में लगी रही, अंधेरा हो गया, मैं क्या करूं। उतने में उसने क्या देखा, कहीं से उसको आवाज आई शेर की। शेर की आवाज आई तो गाय जो दौड़ने लगी, शेर पीछे दौड़ना, गाय आगे, शेर पीछे, शेर पीछे, धार 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 धार। उतने में हुआ क्या, गाय ने देखते ही देखते, अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, जैसे मिला दौड़ रहे थे, जाके वो एक दलदल में गिर गई। दलदल में गाय जैसी गिर गई तो अंधेरा था, तो शेर भी पीछे से आया, तो वो भी उसके पीछे वो दलदल में धस गया, गिर गया। दोनों, गाय भी और शेर भी, दोनों दलदल में फंस गए। दलदल में फंसने के बाद रात के 9 बज गए, 10 बज गए। शेर जितना जोर लगाता था बाहर निकलने में इसे दलदल, समझते हैं मार्शल लैंड कीचड़ में, तो उतना और अंदर धसता था। गाय भी कोशिश कर रही थी लेकिन वो और नीचे चली गई, इधर तक कीचड़ में फंस गए शेर भी। तो शेर ने क्या किया, गाय की तरफ देखा और बोला, ए गैया अब तू भी मरेगी और मैं भी मरूंगा। तो गैया बोली, है ना, गैया बोली कि शेर बाबा याद रखो, मरेगा तू, मैं नहीं, क्योंकि मेरा मालिक मुझे लेने आएगा, मुझे ढूंढता मुझे लेने आएगा, वो मेरी जान बचाएगा। मैं मानती हूँ कि मैं नटखट हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं शैतानी करती थी, लेकिन आज मुझे सबक मिला है कि मैं जो मेरे मालिक की बात सुने, फिर भी ये यकीन के साथ कि मेरा मालिक जरूर आएगा और मुझे यहाँ से बचाकर लेके जाएगा। रात के 10-11 बज गए, ईशान ने देखा गाय को, अंदर बोले एक गाय तो कम है और वही गाय कम है जो नटखट है। फिर उसने लालटेन लिया, अपने आस पड़ोस वालों को उठाया, बोले चलो भाई मेरे साथ। सब गाँव वाले जो थे वो उठे, डंडा लेकर और लालटेन लेकर वो चले गए। चलेंगे तो गाय ने चिल्लाने की आवाज आई, वो गैया का नाम, जो वो गैया भैया, तो ऐसा आवाज करते हैं गाय, हाँ बोलती है, आवाज देती है मालिक को। फिर उसने जाके वो वहां से गाय को निकाला। जैसे गाय बाहर आई, गाय आओ देखा ना ताओ, घर का रास्ता पकड़ के भाग गए डर के मारे। फिर सारे किसान जो इंसान थे अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, रस्सिया विस्सिया जमा की और किसी तरह से उस शेर को जो है दूर से उसको कोशिश करके उसको भी बाहर निकाल दिया। कहानी हो गई खत। कहानी का मोरल क्या है, हमको शिक्षा क्या मिलती, कि बेटा वो गाय जो है ना, वो आप स्टूडेंट्स, वो जो गाय है वो आप स्टूडेंट्स हो, आप जो हमारे बेटे बच्चे हैं वो, और वो जो मालिक है वो हम टीचर्स हैं। आप लोगों को हम डांटते हैं, आप लोगों को हम सिखाने के वक्त डांटते हैं, हम कहीं आपके ऊपर बंधन लगाते हैं, आपको आपके यूनिफॉर्म के ऊपर डांटते हैं, आपकी आपकी कॉपी के ऊपर की हैंडराइटिंग के ऊपर डांटते हैं। हम टीचर इसलिए डांटते हैं, ऐसी बात नहीं, आपके घर में आपके अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके बुजुर्ग हैं, वो आपको डांटते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं या हम आपसे नफरत करते हैं। खास मतलब इसका सिर्फ ये है कि आप अच्छे रहे, हमने तजुर्बा हासिल किया, वो आप उसके उस तजुर्बे को, उस एक्सपीरियंस से हम आपको सिखाते हैं कि ये गलत है, ये सही। ठीक है बच्चों, आए दिनों न्यूज़पेपर में सुनने में आता है कि गलत गलत खबरें, कि बच्चे नाराज हो गए, घर छोड़ के गया, कोई क्या किया, ऐसा ना कीजिए। अपने अम्मी अब्बू की बात मानेगा, अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानेगा और अपने टीचरों की बात मानेगा, हम पे नाराज ना होगा अगर हम कहीं डांटते। वैसे तो हम डांटते हैं, हम सबसे अच्छे,
ये कहते हुए मैं जितेंद्र दोंदे माइसर जितेंद्र दोंदे वर्क एक्सपीरियंस टीचर अर्थात कारण वो शिक्षक आप सभी बच्चों का शुक्रिया करूंगा कहूंगा से कहूंगा और साथ में सभी टीचरों का भी शुक्रिया शुक्रिया मानता हूं मैं शुक्रगुजार हूं मैं इनका कि आप लोग जो है यहां ऑनलाइन टीचर में कई टीचर्स हैं कई स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं उनका भी बहुत 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 थैंक्स एंड बिग थैंक्स टू वन टीचर सभी टीचरों का थैंक्स एंड बिग थैंक्स टू वन टीचर ऑफ बृहन मुंबई महानगर पालिका जिनका नाम है राजाराम बोड़के सर जो हमारे रेगुलर अटेंडेंट रहे नॉट ओनली दिस एकेडमिक ईयर बट सिंस लास्ट एकेडमिक ईयर राजाराम बोड़के सर आई नो यू मे बी देयर ओनली यू आर अटेंडिंग लेक्चर लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है मेरे अच्छे दोस्त हैं हमारे अच्छे मित्र हैं और हमारे अच्छे काबिल कार्य अनुभव शिक्षक हैं जो चेंबूर स्टेशन म्यूनसिपल स्कूल उर्दू में कार्यरत है और सभी का थैंक्स है हमारे सीएनओ साहब का थैंक्स है हमारे असिस्टेंट सीएनओ वसीम सर का थैंक्स टू अरिफा मैडम हमारे उर्दू ऑनलाइन टीचिंग की हेड है थैंक्स सभी अधिकारियों का थैंक्स सभी टीचरों का और बिग थैंक्स आप पेरेंट्स का अभिभावकों का जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं और लेक्चर में करने देते हैं एंड बिग बिग थैंक्स ऑफ यू ऑल माई डियर स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक नए कहानी के साथ Myself Jeetendra Donde, work experience teacher, signing out from Tindai, saying, Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you.